हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे एंटोमोलॉजी, तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे थोड़ा इंसेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में। देखो, एंटोमोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है एंटोमो और सेकेंड है लोगोस। एंटोमोल का मीन्स होता है इंसेक्ट्स और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी, मतलब कीट का अध्ययन करना ही एंटोमोलॉजी कहलाता है। ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीट का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीट विज्ञान कहलाता है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या होगा? देखो, एग्रीकल्चर हो गया कृषि और एंटोमोलॉजी हो गया कीट विज्ञान, मतलब कृषि से रिलेटेड जितने भी कीट हैं उनका हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद क्रॉप्स एंड स्टोरेज कमोडिटीज़, तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो अगर क्रॉप से रिलेटेड हैं, क्रॉप में डैमेज कर रहे हैं, क्रॉप के अंदर पाए जा रहे हैं, और स्टोरेज कमोडिटीज़ मतलब कोई भी चीज़ जब हम ग्रो करते हैं, जैसे क्रॉप्स में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, हम उनको स्टोर करके रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबको हम कंज्यूम कर जाते हैं, तो कंज्यूम करने के लिए अलग रखते हैं और स्टोर करने के लिए हम अलग रखते हैं, ठीक है। तो स्टोर करते हैं, जब आपने देखा हो अपने घरों में भी जब दाल या किसी और चीज़ को रखते हैं तो उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, ठीक है। तो उन सब की स्टडी किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के अंदर। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, विलियम करवाय। अब बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। देखो, हालांकि थोड़ा बहुत हमने इंसेक्ट के बारे में जान लिया था, अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रैकेटेड आर्थ्रोपोड्स हैविंग सेगमेंटेड बॉडी इनटू थ्री रीजन। ट्रैकेटेड का मीन्स क्या होता है, ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू। आर्थ्रोपोड्स मीन्स जॉइंटेड लेग, मतलब जो ट्रैकेटेड आर्थ्रोपोड्स हैं ये इनकी जो बॉडी है सेगमेंटेड होती है, ठीक है, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन रीजन्स में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमिन। थ्री पेयर्स ऑफ लेग एंड टू पेयर्स ऑफ विंग, इनमें तीन जोड़े पैरों के और दो जोड़े पंखों के पाए जाते हैं। दे है बायलेटरल सिमेट्री एंड ग्रो बाय मोल्टिंग। इनमें देखो, जैसे ये एक कोई इंसेक्ट है, अगर इनकी बॉडी को हम बीच से काट देंगे तो इनकी जो बॉडी है दो बराबर हिस्सों में हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। और ये किसके द्वारा ग्रो करते हैं, मोल्टिंग के द्वारा। अब मोल्टिंग क्या होता है कि इनकी जो ऊपरी स्किन है उसको सैड कर देंगे, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। ये जो इनका इंटेगमेंट होता है या फिर एक्सोस्केलेटन होता है, ये अगर उसको झड़ा देते हैं और इनकी बॉडी में दूसरी कवरिंग आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं, इंटरनली कौन से होते हैं, जो अंदर वाले होते हैं, और एक्सटर्नली जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, मतलब जो बाहरी इनके पार्ट्स होते हैं। जैसे अब देखो, हेड है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हेड हो गया, ग्रीन वाला थोरेक्स है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो है एब्डोमेन। सबसे बड़ा पार्ट होता है एब्डोमेन, उससे छोटा थोरेक्स और सबसे छोटा फेस जो उसका हेड है। ये इनकी बॉडी देखो सेगमेंटेड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे सेगमेंट है ना, और ये जो थोरेक्स है यहीं पर थ्री पेयर ऑफ लेग्स और टू पेयर विंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट की, कि जो कीट हैं इतने ज़्यादा कैसे खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 60 से 70% एनिमल्स का इंसेक्ट ही है, और ये इतना ज़्यादा कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो सबसे फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी के ऊपर जो हार्ड कवरिंग पाई जाती है उसकी वजह से स्मॉल साइज में छोटे होते हैं, फीड भी कम चाहिए होता है, और क्विक स्पेशिएशन, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये अपनी स्पेसीज को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर इनको ज़रूरत है कि इनको अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एग लेइंग भी कर सकते हैं। हेक्सापोड, मतलब हेक्सा मीन्स होता है सिक्स और पोड मीन्स लेग, सिक्स लेग लोकोमोशन पाया जाता है इनमें। लोकोमोशन को मैं आपको आगे समझाऊंगी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी, इनकी जो इंसेक्ट है हर एक इंसेक्ट में वेरिएशन पाई जाती है, इनकी जो बॉडी है डिफरेंट होती है, ठीक है, सबकी बॉडी में वेरिएशन पाई जाएगी। फंक्शनल विंग्स पाए जाते हैं इनके अंदर। कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, मतलब इनकी जो आइज होती हैं, सिंपल आइज, बहुत सारी आइज मिलके एक कंपाउंड आइज बनाती हैं। और जैसे एक सिंपल आई में एक ओमेटीडिया पाया जाता है, ऐसे ही कंपाउंड आइज में बहुत सारे ओमेटीडिया पाए जाते हैं। अगर इनकी कंपाउंड आइज में एक दो ओमेटीडिया ख़राब भी हो जाए तो फिर भी ये काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू करते हैं।
डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, खुद को विकास करने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। और केमिकल कम्युनिकेशन, अब केमिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है, इनमें फेरोमोन्स होते हैं, जब ये चलते हैं तो इंसेक्ट के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिकेशन पाई जाती है कि ये केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसके थ्रू दूसरा इंसेक्ट इनके टाइप इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हुआ ना कि एक चींटी जाती है तो उसके पीछे सारी चींटियाँ एक लाइन लगा के आती हैं, तो ये केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसके थ्रू एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जोस्केलेटन की। अब बॉडी पार्ट्स हैं जो इंसेक्ट के, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एग्जोस्केलेटन। एग्जोस्केलेटन को इंटेगमेंट भी बोलते हैं, और ये किससे मिलकर बना होता है, क्यूटिकल और एपिडर्मिस से। देखो, जो क्यूटिकल है ये नॉन लिविंग लेयर है, और जो एपिडर्मिस है ये लिविंग लेयर है। ठीक है, इसमें सेल पाए जाते हैं जो क्यूटिकल को रिलीज करते हैं। पहले जो बॉडी होती है इंसेक्ट की ट्रांसपेरेंट और स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन बाद में यही ट्रांसपेरेंट लेयर बाद में एग्जोस्केलेटन बन जाती है, हार्ड कवरिंग हो जाती है। ठीक है, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द बॉडी। एग्जोस्केलेटन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, पूरी बॉडी को कवर करके रखता है एक प्रोटेक्टिव की तरह। मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स। एग्जोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन और प्रोटीन्स का। ठीक है, और ये काइटिन किसका बना होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, ये सब आपस में लिंक होते हैं, और लिंक होके क्या बनाते हैं, काइटिन। ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये जो एग्जोस्केलेटन है ना, इसमें बहुत सारी लेयर मिलके आपस में तब एग्जोस्केलेटन बनाती हैं। एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिडर्मिस। ठीक है, ये इतनी सारी लेयर हैं जो मिलके एग्जोस्केलेटन बनाती हैं। सबसे नीचे होता है एपिडर्मिस, उसके ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल। एपिडर्मिस रिलीज करती है क्यूटिकल को, और ऊपर वो जम के क्या बन जाती है, एग्जोस्केलेटन। प्रोटेक्ट्स इंसेक्ट अंगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है मॉइस्चर का लॉस होना, मतलब ये जो इंसेक्ट होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पानी स्टोर करके रखते हों, इनकी बॉडी में जो मॉइस्चर पाया जाता है, अगर ज़्यादा धूप होगी तो वो मॉइस्चर ख़त्म भी हो सकता है, ये इंसेक्ट मर भी सकते हैं। तो जो एग्जोस्केलेटन है प्रोटेक्शन देता है इनको डेसिकेशन से, कि इनकी जो बॉडी का वाटर है वो सूख ना जाए। ठीक है, इस सरफेस ऑफ मसल अटैचमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके सारे पार्ट्स सेगमेंटेड हैं तो ऐसे कहीं ना कहीं तो अटैच होंगे, तो इनमें मसल अटैचमेंट किसके थ्रू होता है, एग्जोस्केलेटन के। एब्डोमेन है, अब एब्डोमेन उसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो ऐड होंगे ना, कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, तो एग्जोस्केलेटन इनको मसल अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ए सेंसरी इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कैसे इनको ढलना है ना, कैसे रहना है, तो वो सेंसरी इंटरफेस देते हैं। मेंटेनेंस द शेप ऑफ बॉडी। और देखो, जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ पाई जाती हैं ना, वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं, ऐसे ही इंसेक्ट में इंटेगमेंट बॉडी शेप का काम करता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है बॉडी शेप को इंसेक्ट की को। एग्जोस्केलेटन हैज़ टर्न अपेंडिज इनटू गुड टूल्स फॉर डिगिंग, प्रेइंग, ओविपोजिशन ईटीसी। देखो, जो एग्जोस्केलेटन है, समय रहते जब बहुत इनको ज़रूरत होती है, तो समय के बाद, एक समय के बाद इनके जो एग्जोस्केलेटन है वो इनके लिए एक टूल्स की तरह काम करता है, जैसे डिगिंग के लिए, प्रेइंग के लिए, मतलब किसी भी इंसेक्ट को, दूसरे इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, ओविपोजिशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल विंग्स की, कि विंग्स क्या होती हैं। देखो, पहला काम तो उड़ने का ही होता है, विंग्स का काम क्या है, विंग्स के थ्रू उड़ना, तो प्राइमरी फंक्शन हो गया ऑर्गन ऑफ फ्लाइट उड़ने के लिए, और सेकेंडरी फंक्शन हो गया कैमोफ्लाज के लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए, और स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन के लिए। देखो, कैमोफ्लाज क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने कलर को चेंज करना। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट में ये वाली बहुत सारे इंसेक्ट में कुछ ऐसी विंग्स पाई जाती हैं, जैसे ग्रीन है, अगर वो क्रॉप पे बैठा है तो हम उसको पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा इंसेक्ट है। किसी पेड़ की ब्रांच पे बैठा है तो उसके जैसा सेम कलर की वो उनमें पंख पाई जाएंगी, जिसके थ्रू हम उनको नहीं पहचान सकते। थर्मोरेगुलेशन मतलब ये अपनी पंखों के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे हनी भी है, वो अपनी छत्ते में अपनी विंग्स के थ्रू अपने उसको कॉम को ठंडा भी रख सकती हैं, गर्म भी कर सकती हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं बॉडी में ये
इंसेक्ट की बॉडी को, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। उनका जो बॉडी शेप है होता है, उनकी जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एन अटैक, अगर अटैक के टाइम पे वो खुद को प्रोटेक्ट करने के भी काम आती हैं। जो पंख, अब देखो कोई प्रोटेक्शन, जब कोई अटैक होता है किसी भी इंसेक्ट के ऊपर तो आसानी से उड़ सकता है, इसीलिए फंक्शनल विंग्स पाई जाती हैं। फाइंड अ मेट, मेटिंग के लिए, मेट ढूंढने के लिए। जैसे एग्जांपल, तो आपने मॉस्किटो देखा होगा, बटरफ्लाई देखी होंगी, लोकस्ट देखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हेक्सापोड लोकोमोशन की। सिक्स लेग्स इन इंसेक्ट रिप्रेजेंट ऑप्टिमम नंबर। इंसेक्ट में जो सिक्स लेग पाई जाती हैं वो ऑप्टिमम नंबर है किसका, लेग्स का। देखो वो जो सिक्स लेग हैं इंसेक्ट में, ये ऑप्टिमम है क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा होंगी तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिक्स स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेग्स फॉर स्टेबल इक्विलेरियम ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन। जो जीव धरती पर रहते हैं उनको चलने के लिए जो सिक्स है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। कम से कम 6 पैर तो होने चाहिए उनको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, अपना स्टेबल बनाए रखने के लिए। मोर नंबर ऑफ लेग्स मेक लोकोमोशन डिफिकल्ट। अगर 6 से ज़्यादा अगर उनमें पैर पाए जाएंगे तो वो उनके लोकोमोशन को डिफिकल्ट कर देते हैं। वेयर एज नंबर ऑफ लेग्स लेस देन 6 क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग ड्यूरिंग लोकोमोशन। और अगर 6 से कम है उनके पैरों की संख्या तो वो उनको चलने में प्रॉब्लम करते हैं, उनको उनकी बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे अब देखो मैंने ये ट्राई करी है, एक चींटी लग तो ऐसे रहा है कि ये मरी भी पड़ी हो, लेकिन आप बस इससे थोड़ा समझ लो। जैसे इसकी 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। अब देखो जब रेड वाली चल रही हैं लेग्स तो ब्लू वाली नहीं चल रही, और जो ब्लू वाली चल रही हैं तब रेड वाली नहीं चल रही, ठीक है। इसी को बोलते हैं लोकोमोशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।